नमस्ते, टेरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम फॉक्सटेल मिलेट का उत्पम बनाएंगे। चलिए इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ 2.5 कप फॉक्सटेल मिलेट लिया था, जिसे मैंने अच्छे से 2 बार धोकर रात भर के लिए फूलने के लिए रख दिया था। फॉक्सटेल मिलेट आपको कहीं भी सुपरमार्केट में मिल जाएगा। 1 कप उड़द का दाल लिया था, इसे भी मैंने धोकर रात भर पानी में भिगो के रखा है। फॉक्सटेल मिलेट और उड़द दाल ये दोनों फूल गया है, इसे हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। इसे ढककर 6 घंटा के लिए रख देंगे, इसके बाद ही हम इसे बनाएंगे। फॉक्सटेल मिलेट का बैटर तैयार है। बैटर को यहाँ इतना ही ज्यादा गाढ़ा रखना है। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। और साथ में धनिया पत्ता, टमाटर, प्याज, गाजर और हरी मिर्च, इन सबको मैंने बारीक काट लिया है। तावा में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे गर्म करेंगे। इस पर बैटर डालेंगे और इसे फैलाएंगे। इसके ऊपर गाजर, प्याज टमाटर, धनिया पत्ता और हरी मिर्च डालेंगे। इसे ढक देंगे और इसे 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसके ऊपर जरा सा तेल डालेंगे। और इसे पलट देंगे। इसे दूसरे तरफ से भी 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इसे पलट देंगे। यह बन गया है, इसे हम प्लेट पे निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी भी बना लेंगे। फॉक्सटेल मिलेट का उत्पम तैयार है। धन्यवाद।